एबीपी गंगा पर अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में अखिलेश यादव बोले हैं, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात झूठी निकली। समाजवादी पार्टी सरकार ने विकास की कई योजनाएं चलाई, ये जनता वही है जो बीजेपी को हटाएगी। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, बातचीत में आपको दिखाते हैं। वीरपुर के बद से आगे अब जो कहा जाए विजय रथ यात्रा है वो आगे बढ़ चुकी है जालौन की ओर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, किस तरह से बुंदेलखंड इलाके में आप विजय रथ यात्रा को सपोर्ट मिल रहा है? बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन किया, सभी विधायक जिताए, लोकसभा के सांसद जिताए, लेकिन देश में बुंदेलखंड की जनता को सबसे ज्यादा धोखा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान यहाँ का भुखमरी के कगार पर है, मजबूरी में यहाँ गरीब परिवार पलायन कर रहे हैं, जो मजदूरों को नौकरी रोजगार मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है, नौजवान पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे हैं लेकिन कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और आज जब हम लोग हमीरपुर और कालपी के बीच में हैं, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर चुकी है, तो महंगाई के सवाल पे भी लगातार महंगाई बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई हो या सिंचाई के मुद्दे, यहाँ लगातार किसानों ने आत्महत्या की है बुंदेलखंड का वो इलाका, तो क्या विशेष कोई आपके पास है ऐसा रूपरेखा की सरकार आती है तो आप? समाजवादी पार्टी ने पहले भी यहाँ पर विकास के योजनाएं चलाई थी, आने वाले समय में किसान दो फसलें कैसे करें, सिंचाई का इंतजाम कैसे हो, यहाँ पर सोलर प्लांट बड़े बड़े लगने लगे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जरूर बन रहा है, इस इलाके में किसान को सिंचाई की सुविधा, बिजली सस्ती उपलब्ध कराना, सोलर का इंतजाम अच्छा करना, दवाइयों का इंतजाम अच्छा करना, और अगर कोई कारखाने लग सके उनको विशेष पैकेज देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं सरसों और तिल को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी विशेष योजना चलाने का काम, आवारा जानवर की बड़ी अन्ना प्रथा, अन्ना जानवर के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए समय अखिलेश यादव जी किस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और पूरी तरह से कहा जाए पब्लिक बेकरार है उनकी एक झलक पाने के लिए, जबरदस्त कहा जाए क्रेज, एक नेता का जो क्रेज है अगर देखना हो तो अखिलेश यादव को देखिए सर, जबरदस्त क्रेज है। किस तरह से कहेंगे, बहुत जबरदस्त क्रेज है। देखिए सर, हाथ मिलाने को किस तरह से बेकरार है, ये जनता वही है जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाएगी, उनका सफाया करेगी, क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ। किसान जितने किसान हैं इनको फसल की, एक मिनट माइक बंद करना, साउंड बंद करो एक मिनट, अभी आगे बुलाएं, एक एक करके हटा रहे हैं। बीजेपी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? जब जनता नाराज है बीजेपी से नौकरी के सवाल पर और किसान के सवाल पर और बिजली का मिल भी महंगा किया है, इसलिए यही जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। 19 सीटें ये इस बार बुंदेलखंड की जनता इनको शून्य कर देगी, यहाँ पर शून्य भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये जनता बोल रही है। अखिलेश यादव जी क्या अपने साथ एक सवाल आखिरी, सर शिवपाल जी ने भी पैरेलल रथ यात्रा शुरू की है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, सब बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं आखिरी में तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग उनसे रुक कर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपनी जो कहा जाए रथ यात्रा को रोक कर अभिवादन कर रहे हैं, तो कुल मिला के कहा जाए अब ये जो रथ यात्रा है वो अब जालौन की ओर बढ़ चली है। हमीरपुर से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।